नीम के पेड़ में नाजुक पत्तियां आ चुकी है और यही सही समय है नीम के पत्तियों के सेवन करने का। शिवरात्रि के बाद हम लोग खास करके नीम के पत्ती का सेवन करते हैं शिवरात्रि के पारण के समय। इसके फायदे तो आप सभी को पता ही होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि हम लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है। इससे ब्लड प्यूरीफायर होता है और पेट की कृमि भी मर जाते हैं, पेट साफ भी होते हैं। इसको सही मात्रा में इसी समय सेवन करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। इसको मैं अच्छे से आलू नीम बनाने वाली हूँ और बाकी जो पत्तियाँ कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसे मैं सुखा के पाउडर के रूप में भी स्टोर करने वाली हूँ। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि नाजुक नाजुक नीम की पत्तियों का स्वाद ही कुछ अलग होता है और ख़ास करके ताजे नीम की पत्तियों का। सारे पत्तियों को मैं चुन ली हूँ और अब मैं कुछ पत्तियाँ धूप में सुखा कर स्टोर करने वाली हूँ। आलू को मैं कट लूँगी, मैं 6-7 आलू ली हूँ यहाँ पर। होली में हम लोग गाँव आए हैं तो गाँव के तरीके से इसको बनाते हैं। देखिए मैं आलू को कट कर ली हूँ, इस तरह से मीडियम आकार में, भुजिया के आकार में मैं इसका कट की हूँ। देखिए इसको नीम की पत्ती को मैं धूप में भी रख दी हूँ सूखने के लिए। अब मैं आलू नीम बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं गैस पर कढ़ाई को रख ली हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई पर 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। तेल जैसे गर्म हो गए इसमें मैं नीम की पत्तियाँ डाल दी हूँ। इसको मैं अच्छा से एकदम मुरमुरे होने तक फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू स्लो। इसको जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, इसको अच्छे से धीरे धीरे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा नीम की पत्तियों का कलर भी चेंज होता जाएगा। देख सकते हैं धीरे धीरे पत्तियों का कलर चेंज हो रहा है। इसे फ्राई करने में लगभग 4 से 5 मिनट का वक्त लगता है स्लो टू मीडियम फ्लेम में। चेंज हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं। पूरी तरह से धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि कच्चा ना रहे। जैसे ही फ्राई हो जाते हैं इसको मैं छोलनी की मदद से थोड़ा सा तोड़ लूँगी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं उसी कढ़ाई में 3-4 चम्मच तेल और ऐड कर रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें मैं 5 फ़ोरन ऐड कर दी हूँ और इसमें मैं 4-5 हरा मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। जैसे ये चटक जाएंगे कटे हुए आलू मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको धीरे से फ्राई करूँगी स्लो टू मीडियम फ्लेम में, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बीच बीच में इसको मैं ढक भी दूँगी। इसमें मसाले बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, बस नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, क्योंकि इसमें हम लोग को नीम का स्वाद चाहिए होता है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी लगभग 1 मिनट के लिए। इसके बाद मैं मीठा छील के फिर से इसको चलाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं ऐड की हूँ, कम ऑयल में ही इसको धीरे धीरे से मैं फ्राई कर रही हूँ। ढक के फ्राई करने से फिर से 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। जैसे नीम के पत्तियों को मैं अच्छे से हाथों से तोड़ लूँगी ताकि ये आलू के साथ बढ़िया से मिल जाए। एक मिनट बाद फिर से ढक्कन हटा के मैं इसको देख लूँगी
लगभग फ्राई हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा गोल्डन ब्राउन भी इसको करना है। देखिए फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। बस अब इसमें मैं नीम की पत्तियाँ ऐड करती हूँ। अब एक मिनट तक इसको चलाते हुए मैं फ्राई कर लूँगी ताकि नीम के फ्लेवर अच्छे से आलू के साथ आ जाए। इसी तरह से आप लोग बैंगन नीम भी बना सकते हैं। बैंगन भुजिया के साथ भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और जिन लोगों को बैंगन तो पसंद होता है पर खाने से एलर्जी होता है, वो नीम के साथ इसको ट्राई करें, वो एलर्जी नहीं होगा। नीम की पत्तियाँ हम लोग के सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसको बहुत आदमी कच्चा भी खाते हैं खाली पेट। देखिए फ्राई हो चुकी है मेरी आलू नीम। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।